हेलो एवरीवन, बॉन्ड यील्ड को समझना है आपको कि बॉन्ड यील्ड आखिर है क्या। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि बॉन्ड आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल बार बार इकोनॉमिक जो है ये एक बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिक टर्म है बॉन्ड यील्ड। जब कभी भी आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे तो बॉन्ड यील्ड जैसे टर्म्स को का जो है बार बार आपको देखने को मिलता है। तो आज हम समझेंगे कि बॉन्ड यील्ड है क्या। हेलो गाइस, मैं हूं अमृत और मैं आपके साथ जो है कम्प्लीटली बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम लोग इसको पूरा करेंगे कि बॉन्ड यील्ड आखिर है क्या। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि बॉन्ड समझने के लिए देखो कि क्या है कि सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, एक कंपनी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पैसे जो है वो कंपनियों के पास जो है वो उसके अपने हो। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि कर्ज के रूप में पैसे लेती है, और कर्ज के रूप में पैसे लेने का एक माध्यम जो है वो बॉन्ड भी है। हालांकि ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कंपनी और गवर्नमेंट दोनों लेती है। अगर ये ही कर्ज के रूप में गवर्नमेंट बॉन्ड ले तो उसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब नॉर्मली बॉन्ड का इस्तेमाल जो है वो गवर्नमेंट के ही सेंस में किया जाता है, तो इसको लेके भी आपको जो है वो क्लियर होना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए जो बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसको गवर्नमेंटल बॉन्ड कहते हैं। जैसे इंडस्ट्री के लिए जो बॉन्ड होगा इंडस्ट्रियल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो बॉन्ड के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो ऑन द बेसिस कि वो किसने इशू किया है, वो किसके लिए बॉन्ड जो है वो लिया गया है। तो ये भी बात है। अब अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि बॉन्ड समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या है। देखो, बॉन्ड यील्ड, ठीक है, बॉन्ड यील्ड, अभी हमने बॉन्ड को जैसे समझा, दूसरा है कि यील्ड क्या है ये भी हम समझे। यील्ड को समझाने के लिए मैं बेसिकली एक एग्जांपल बार बार देता हूँ और उसको आपको समझने हैं कि यील्ड क्या होते हैं। यील्ड होते हैं रिटर्न। ठीक है, मतलब आपने किस कहीं पैसे लगाए हैं और वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं उसको हम कहते हैं रिटर्न। इसके लिए जो मैं एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ वो ये कि आप जैसे कि आपके दो भाई हैं और आपके पापा जो है आप एक जैसे कि मान के चलो कि आपका नाम अंकित है, ठीक है, और दूसरा एक आपका भाई है जिसका नाम अमित है। ठीक है, अब अंकित चूंकि बड़ा भाई है और उस समय घर के पास रिसोर्सेस नहीं थे तो अंकित को जो है वो शहर जाने की जो है वो छूट नहीं मिली, शहर वो नहीं जा सका, इस कारण से वो घर तक ही रहा। अब वो घर पे से ही पढ़ाई कर रहा है और उसके पढ़ाई में 5,000 की खर्च आती है। ठीक है, घर से पढ़ रहा है। दूसरी बात है कि एक अमित जो कि आप हैं, आपकी पढ़ाई जो है उस समय घर के पास रिसोर्सेस आ चुके हैं, घर में कमाई का एक जरिया हो चुका है, तो आपको शहर भेजा गया और आपके ऊपर जो है घर से 10,000 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, अब अमित और अंकित दोनों एक ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलो एक ले लेते हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 10,000 रुपये की जॉब, 25,000 रुपये की जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब होता क्या है, और आप दोनों में एज की भी कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है, बहुत कम एज है, 1 महीने 2 महीने के आप छोटे बड़े हैं, 5 महीने के छोटे बड़े होंगे। ठीक है, आपका अंकित चचेरा भाई हो सकता है, इस तरीके का एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा आर्ग्यू की आवश्यकता नहीं। होता क्या है कि रिजल्ट आती है और अंकित जो है वो एग्जामिनेशन पास कर जाता है और ये गांव से रह के एग्जामिनेशन जो है ये निकाल लेता है। अब आपसे मैं पूछूं कि यील्ड रिटर्न किसकी अधिक है, एक पर्सन जो कि दिल्ली में रह रहा था या एक पर्सन जो कि गांव में रह रहा था उसकी रिटर्न? तो ऑब्वियस है कि आप ये कहोगे कि अंकित की रिटर्न अधिक है, यानी अंकित की यील्ड अधिक है।
अगर हम इसी एग्जाम्पल को बॉन्ड पे पुट करें तो फिर आपको बॉन्ड यील्ड अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट को 1,000 रुपये के लोन लेने हैं, ठीक है, यानी गवर्नमेंट 1,000 रुपये के बॉन्ड गवर्नमेंट इशू कर रही है, ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं फेस वैल्यू, मतलब जितने रुपए गवर्नमेंट को चाहिए वो लिख के आपको देती है कि 1,000 रुपये के जो है वो बॉन्ड गवर्नमेंट इशू कर रही है, और ये कहती है कि गवर्नमेंट इस पे 5% का इंटरेस्ट भी देगी, जो 50 रुपये के इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अब अंकित जो है किसी वजह से इसको ये बॉन्ड जो है वो 800 रुपये में मिल जाता है ना, जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं एट डिस्काउंट, ठीक है। और वहीं अमित को ये बॉन्ड जो है वो प्रीमियम पे मिलता है, यानी फेस वैल्यू से अधिक पे, मान के चलो कि वो मिलता है 1,200 रुपये पे, ठीक है। अब मैं ये पूछूं कि अगर इसमें बॉन्ड यील्ड किसकी अधिक है, तो आप कहोगे कि जो अंकित है उसकी अधिक है, क्योंकि अंकित ने 800 रुपये खर्च करके 50 रुपये कमाए हैं, और वहीं अमित ने जो है वो 1,200 रुपये खर्च करके 50 रुपये कमाए हैं, तो बॉन्ड यील्ड जो है वो किसकी अधिक है, वो अंकित की अधिक है। यानी अगर बॉन्ड की जो प्राइस है वो कम होती है, यानी 1,000 से 800 रुपये हो गई, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, और बॉन्ड की अगर प्राइस अधिक होती है तो बॉन्ड यील्ड घटता है। यानी कि प्राइस ऑफ, बहुत ध्यान से इसको एकदम याद कर लेना है, प्राइस ऑफ बॉन्ड जब कभी भी ये यूपीएससी एमसीक्यू के अंदर आता है तो देन आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि क्या करें, कि कैसे प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो इन्वर्सली जो है रिलेटेड है किससे, बॉन्ड यील्ड से। अब आपको समझ में आया है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड के घटने से बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, और प्राइस ऑफ बॉन्ड के बढ़ने से बॉन्ड यील्ड घटता है। जैसे प्राइस ऑफ बॉन्ड का इन्वर्सली रिलेशनशिप है किसके, बॉन्ड यील्ड से, है ना। अब मान के चलो कि ऐसा भी हो सकता है कि सरकार जो है वो बॉन्ड यील्ड का जो पूरा ये है इसको बढ़ाने के लिए, हो सकता है कि अगर मान के चलो कि ये 5% के जगह अगर हम इंटरेस्ट को सरकार 10% करती, तो हो सकता है कि 100 रुपये, मतलब कि इंटरेस्ट भरने से भी क्या होता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ता है। पहले जो 50 रुपये कमाई होते थे, सरकार ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, 10% कर दी, तो उससे भी बॉन्ड यील्ड बढ़ता है। तो आपको ये भी लिखे आ सकते हैं कि जो है इंटरेस्ट और जो बॉन्ड पे है, या कूपन रेट जिसको कहते हैं, उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है किससे, बॉन्ड यील्ड से। तो दो कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको बताने थे वो आपने सीख लिए हैं। फर्स्ट, कि बॉन्ड यील्ड का जो है वो इन्वर्सरी रिलेशनशिप है बॉन्ड के प्राइस से, बॉन्ड का प्राइस घटेगा बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, जैसे 1,000 से 800 हो गए। और दूसरे जो मैंने आपको सिखाए हैं कि बॉन्ड यील्ड का डायरेक्टली रिलेशनशिप है वो इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ा 5% से 10% हुआ, 100 रुपये आपने कमाने लग गए, तो उससे भी जो है वो उसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, एंड आई वांट टू से ऑल ऑफ यू कि हम लोग टारगेट 1,000 पे चल रहे हैं, टारगेट 1,000 सब्सक्राइबर, और उसके बाद जो है वी विल लॉन्च अ न्यू फैकल्टी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू यू। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है इसको 1,000 तक जो है वो पहुँचाएँ, और कंटिन्यूसली आपके ऊपर जो है अब ये वीडियोज़ आती रहेंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉन्ड यील्ड। थैंक यू वेरी मच।